सब पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप हिंदी मिस अब आपके घर आई है, आपको हिंदी पढ़ा दे। अब आप सब हिंदी का किताब निकाल लीजिए, हिंदी की पुस्तक सबके पास है ना, सब लोगों ने हिंदी की पुस्तक निकाल ली। अब आप पहला पार्ट निकालिए, पहला पार्ट क्या है, उपवन के फूल। पहला पार्ट क्या है, उपवन के फूल। यह एक कविता है जो त्रिलोक सिंह ठकुरैला द्वारा लिखी गई है। इसकी कवि क्या है, त्रिलोक सिंह ठकुरैला। तो पहला है क्या है, उपवन के फूल। मेरे साथ आप इस कविता को दोहराइए। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरने नहीं जगाते, हिल मिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे या चाहत रही हमारी। सब लोग मेरे साथ दुरा रहे हैं ना, और सबके हाथ में पेंसिल होने चाहिए, सबके पास पेंसिल है ना, ताकि आप उन कठिन शब्दों को अंडरलाइन कर सके जिसे उच्चारण करने में आपको कष्ट हो रहा हो। कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। नेह का क्या मतलब होता है, प्यार। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। इस कविता में कवि हमें उपवन के यानी कि बगीचे में खिले हुए फूलों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह हम फूल की तरह हम भी इस दुनिया में सुंदरता या खुशबू फैला सकते हैं। तो एक बार और मेरे साथ करिए, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाती, हिल मिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे या चाहत रही हमारी। कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नहीं लुटाना, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। त्रिलोक सिंह ठकुरैला। अब आप पेज नंबर 10 में आ जाइए। अभ्यास दिया हुआ है सबको, पेज नंबर 10 में अभ्यास दिख रहा है ना। और सबसे पहले क्या है, शब्द अर्थ, शब्दों का अर्थ, जो कठिन शब्द यहाँ पे है जिनका हमें अर्थ नहीं आता, आज मैं उनका अर्थ आपको बता रही हूँ। उपवन का बगीचा, मनोहर सुंदर, आशा उम्मीद, भाते अच्छे लगते, चाहत इच्छा, भेद अंतर, ने प्यार, गंध खुशबू महक। हो गया। अब आप क्या करेंगे, घर में बैठकर इस कविता को लिखेंगे, उसके बाद अगले पेज में सब अर्थ को लिखेंगे। उसके बाद नीचे कुछ वर्तनी दी गई हुई, आपको दिख रहा है ना शुद्ध लेख, उस वर्तनी को आप कॉपी में लिखेंगे। पहला क्या है, आशा, किरने, महकाते, क्यारी, कांटो, प्रेम। हो गया। फिर आप देखिए मौखिक और लिखित है, कविता में कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं करवाया जाता, क्योंकि परीक्षा में कविता से प्रश्न उत्तर नहीं आते, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। अब आप पेज नंबर 11 में आइए। पेज नंबर 11, सबके हाथ में पेंसिल है ना। अब हम पेज नंबर 11 में देख रहे हैं, सही उत्तर पर निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ। पहला क्या है, फूल सब पर क्या लुटाते हैं, किरने, पत्तियां, स्नेह या धन। सही उत्तर क्या है, स्नेह लुटाते हैं। तो आप स्नेह के आगे सही का निशान लगा दीजिए। ख क्या है, कवि किसके जैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं, उपवनों की तरह, पेड़ों की तरह,
कांटों की तरह, फूलों की तरह। सही उत्तर क्या है? फूलों की तरह। तो आप फूलों की तरह के आगे सही का निशान लगा लीजिए। अब आप देखिए भाषा से, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। हमें कविता से समान तुक वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। समान तुक वाले शब्द को हम लोग मिलते जुलते शब्द भी कहते हैं, जो मिलते जुलते शब्द हो। तो मैंने यहाँ लिखा है भाते का जगाते, क्यारी हमारी, लगाओ महकाओ। अब आप कॉपी में पेंसिल से लिख लीजिए या किताब में ही पेंसिल से भी लिख लीजिए, बाद में कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर आप देखिए दूसरे नंबर पे क्या दिया है, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं। तो कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, अब ध्यान से देखिए। उपवन का बगीचा बाग, फूल का पुष्प सुमन, आशा उम्मीद भरोसा, गंध का सुगंध महक, जीवन का जिंदगी प्राण, प्रेम का प्यारा स्नेह। अब हो गया पेज नंबर 12 आप निकालिए। अगले पेज में देखिए क्या दिया। पहला वर्ण बदलकर हमें नया शब्द बनाना है। पहला वर्ण मतलब जो शब्द दिए हुए हैं उनका पहला शब्द वर्ण हटाकर हमें नए वर्ण लगाने हैं और नए शब्द बनाए हुए हैं। और ब्लैकबोर्ड में ध्यान से देखिए, जैसे फूल फूल तो हमने फू को हटा दिया है, भूल भूल, मन मन, माँ को हटा के हमने किया है घन घन, कांटा हमने का को हटा के किया आटा, कोना खोना, हमने तुमने सारे कारे, जीवन पवन, भेद छे। सब लोगों को समझ में आ गया? बस आज हम ये पहला पाठ ही पढ़ेंगे, कल मैं फिर आऊंगी आप लोगों को दूसरे पाठ के साथ। तब तक आप लोग इसको पूरा घर में अच्छे से ध्यान से इसका अभ्यास करेंगे, कविता लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, फिर मैंने जो अभ्यास करवाया है उस अभ्यास को पूरा करेंगे और घर में शांति बनाकर रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। धन्यवाद।